जब खाना दिल से बनाया जाए, बनाने वाले का मन खुश हो, सब चीज हो, तब खाना बढ़िया बनता है। सर तो आपने कभी मास्टर शेफ में ट्राई नहीं किया? हाँ, मैं बताता हूँ मास्टर शेफ के बारे में भी। अभी कुछ दिन पहले मास्टर शेफ में ऑडिशन हुई थी, उस ऑडिशन में मेरे को बुलाया गया था, मैं सिलेक्ट भी हो गया था, लेकिन बाद में जब कॉल आया दिल्ली से भी आपको 3 महीने हमारे साथ रहना पड़ेगा, तो मैंने इनकार कर दिया। अरे सर, तो मैं 3 महीने शॉप छोड़ नहीं सकता था ना जी। मतलब उभरते सितारे मास्टर शेफ के विनर हो सकते थे सर आप? हाँ बिल्कुल हो सकता था जी, लेकिन मैं अपनी शॉप छोड़ नहीं पाया। वेलकम बैक टू माई चैनल #BeAwesome। और आज मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 28 में, शॉप नंबर 151 और 152 के बाहर, जिसका नाम है पाल ढाबा, जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है। बॉलीवुड के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे हमेशा आते हैं अगर वो चंडीगढ़ विजिट करते हैं। खाने का जो स्वाद है वो और भी लाजवाब है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा है, तो चलो मेरे साथ। अब हम लोग आ चुके हैं पाल ढाबा के किचन में, और आज ये हम बताने वाले हैं कि बटर चिकन और बटर चिकन रोगन जोश कैसे बनाएंगे। सर सीक्रेट रेसिपी तो आपको बताओगे नहीं? कुछ नहीं, ये सब आपके सामने पड़ा ओपन है, बस ये आपके हाथों में है स्वाद। जी जी जी, बस ये आपके आगे सब ओपन पड़ा है, कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब इसको देख के इतने अच्छे से रखा हुआ है कि इसे देख के ना मतलब मुँह में पानी आने लग गया है। मुझे लग रहा था मैं इसका वॉलपेपर बना लूँ फोटोज खींच के, इतने क्लीन और इतना अच्छा रखा है इन्होंने। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बटर चिकन। ये आप पहले देख लीजिए इधर, ये सारे इनको कहते हैं खड़े मसाले, छेजा पत्री, तेज पत्तर, मोटी इलायची, फुल चक्री, लौंग, दालचीनी, अदरक, लहसुन, टमाटर, सब ये बटर चिकन की सामग्री है जी सारी। तो ये सब खड़े मसाले हैं? ये और खड़े मसाले, ये सब कुछ बटर चिकन खड़े मसाले आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ये हमने हर चीज़ यहाँ ग्राइंड करके रखी हुई है। अच्छा, तो ये एक एक चीज़ फिर ग्राइंड करके डालनी मुश्किल है ना, पहले से हम ग्राइंड करके रख देते हैं इसको थोड़े। तो ऐसा है कि स्पेशल जगह से मंगवाते हो कि नहीं? खुद ही ग्राइंड करते हैं, पास में छपी मंडी है, दाना मंडी है, वहाँ से लाते हैं, खुद ही ग्राइंड करते हैं। इतना क्लीन जिसे कह सकते हैं रखा हुआ है कि मतलब देख के खुशी हो रही है। देखो जी, जो चीज़ देख कर खाने को मन नहीं करता था जी, अगर आप उसके अंदर सोना चांदी भी डाल दें तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। चीज़ वही अच्छी लगती है जो देख कर लगे हाँ भी कोई चीज़ है। ये तो सही, तो सर स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बटर चिकन जी, बटर चिकन के लिए सबसे पहली आइटम बटर। बटर, ये वाइट बटर। वाइट बटर, अगर बटर नहीं तो बटर चिकन नहीं। तो ये आप खुद निकालते हैं? जी खुद क्रीम लेते हैं, खुद क्रीम लेकर खुद बनाते हैं। इतना तो मुझे भी पता है थोड़ा सा किचन के बारे में। पहले बटर जी, तो ये है वाइट बटर, घर पे निकाला हुआ है, मतलब इन्होंने तो पाल ढाबा में निकाला होगा, हम घर पे निकालते हैं। पाल ढाबा में निकाला जी। ये सबसे पहले शाही जीरा। शाही जीरा, तो शाही क्यों है ये? इसका नाम ही शाही जीरा है जी। अच्छा, इसका नाम ही नाम ही शाही जीरा है। पहले बटर, फिर शाही जीरा और लहसुन। सर लहसुन दोनों मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है? लहसुन तो हर चीज़ के लिए अच्छा है, लहसुन अदरक ये तो हर चीज़ के लिए अच्छा है, और पाल ढाबे की फूड तो हर चीज़ के लिए अच्छी है। हाँ ये बात तो है। और चाय तो सर आपकी क्या कमाल चाय थी, मतलब कोई मेहमान नवाजी थी नहीं, तो सर से सीखो। कोशिश तो यही करते हैं जी, हर चीज़ बहुत ही कमाल की चाय थी। ये ग्रेवी हमने तैयार करके रखी है जी, ये ग्रेवी तैयार करके रखी है बटर चिकन की। तो इसमें आपने क्या क्या डाला? सेम जो है हमने वहाँ देखी है। लो जी चिकन, लो बटर जी। ये इसमें चिकन है जी, ये ड्रम स्टिक, लेग पीस। मुझे देख के ही पानी आ रहा है। सर तो बटर चिकन आपकी स्पेशलिटी भी है जो हमने मतलब कि देखा और पढ़ा था आपके बारे में। बिल्कुल ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है हर चीज़ स्पेशल बने, हर चीज़ स्पेशल। कोई कस्टमर मुझे पूछता है आपका क्या स्पेशल है, मैं तो ये कहता हूँ दाल से लेके कुछ भी खाइए हर चीज़ स्पेशल है। आपका फेवरेट क्या है जो आपको? मेरा फेवरेट सब कुछ है। नहीं, एक चीज़ जो आपको बड़ी पसंद है? बड़ी पसंद है मेरे को मटन रोगन जोश।
मटन रोगन जोश। तो जी ये आप लगभग बटर चिकन पक चुका है जी, है जी। आप इसमें डालेंगे जी फ्रेश क्रीम। जाओ जी बेटा जी फ्रेश क्रीम। क्रीम धनिया डाले वो जी, धनिया मिर्ची सब चीज। उसके बाद इसके लिए फाइनल करने के लिए ये कस्तूरी मेथी जी, इसको थोड़ा सा हाथ से ग्राइंड करके जानना पड़ता है जी, इससे और रंगत ऊपर की आ जाती है ना। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना जल्दी बन जाएगा, बट ऐसा है ना, दिन का काम होता है, हमारे का रोज का काम है। कुछ ग्रेवी हमने आपके सामने पहले आपके आने से पहले बना रखी थी जी, तो उसकी वजह थोड़ा टाइम कम लगता है। तो आप मुझे सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता सकते हो? सब सीक्रेट कुछ भी है आपके सामने पड़ा जी, सब मतलब ऐसा जब आप रिमिडियल बढ़िया डालेंगे तो स्वाद तो अपने आप आ जाता है। खाना तो सर बनते दिल से, खाने का टेस्ट ही तभी निकलता है जब खाना दिल से बनाया जाए, बनाने वाले का मन खुश हो, सब चीज़ हो, तब खाना बढ़िया बनता है। ये तकरीबन अब तैयार है, अब इसकी हम करेंगे जी प्लेटिंग जी। अब यहाँ आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। वाइट बटर है ऊपर सारा, दिस इज ऑल वाइट बटर, सारा वाइट बटर है इसके ऊपर, एंड इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। मेरी शक्ल देख सकते हो, बोला भी नहीं जा रहा। नाउ दिस इज वाइट क्रीम, जब इतना कुछ ढलेगा ना ये तो बटर चिकन तो अपने बोलेगा जी भी मैं हूँ। सर ये क्या था? ये बटर जी, ये बटर का बटर जी, बटर चिकन में तो बटर है तो चिकन है जी, बटर पे बटर ही बात कर रहे हैं, बटर ही है जी। ये है जी सर, आपने चिकन को खुश कर दिया। ये पाल टाबा स्पेशल बटर चिकन, दिस इज द स्पेशल बटर चिकन, ये पाल ढाबा की स्पेशलिटी है, और सर ने खुद बनाया तो इसका तो स्वाद कुछ अलग ही होने वाला है, और इसमें बटर ही बटर है, मतलब चिकन बटर में तैर रहा है, चिकन भी खुश होगा, मतलब ही बटर है। बिल्कुल सही, बहुत कम जगह पे मिलता है। अगर बटर बटर क्रीम है तो बटर चिकन है, नहीं तो बटर चिकन है नहीं, लोग तो क्या करते हैं जैसा रंग डाला चलो जी बस, लेकिन अगर रियल देखना है तो यहाँ रियल बटर चिकन, यहाँ पाल का स्पेशल बटर चिकन।